वाले है अबाउट फिश दैट इज फ्लोरोसेंस इन सी टू हाइब्रेडाइजेशन सो फ्लोरोसेंस का मतलब है कि यहाँ पे लाइट एमिट होने वाली है इन सी टू का मतलब है कि विद इन द सेल एंड हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि दो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड की यहां पे बाइंडिंग होने वाली है सो so, फिश जो है इट इज अ टूल यूज इन साइटोजेनेटिक्स टू डिटरमाइन द क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटीज सो क्रोमोजोम के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज है जैसे कोई म्यूटेशन है डिलीशन है डुप्लीकेशन है या फिर आपको क्रोमोसोम के ऊपर किसी पर्टिकुलर जीन का डिटेक्शन करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं सो so प्रिंसिपल क्या है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोरोसेंट प्रोब्स यहाँ पे हम फ्लोरोसेंट प्रोब्स का यूज़ करेंगे प्रोब्स क्या होते हैं प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होती है डीएनए या फिर आरएनए की जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होती है हमारे जो टारगेट सीक्वेंस है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो ये प्रोब्स क्या करेंगे हमारे टारगेट सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड करेंगे और जैसे ही वो बाइंड करेंगे तो हमें फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी एंड उस फ्लोरोसेंस को हम डिटेक्ट करके ये पता लगा सकते कि जो हमारी टारगेट जीन है जो हमारे टारगेट डीएनए सीक्वेंस है वो कहाँ पर है क्रोमोजोम के अंदर सबसे पहले जो हमारा, सो so, सबसे पहला काम है कि हमें प्रोब की डिज़ाइनिंग करनी है प्रोब को तैयार करना है तो प्रोब को तैयार करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज निक ट्रांसलेशन टेक्निक निक ट्रांसलेशन टेक्निक जो है उसका हम यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर द प्रोब्स एक तो होते हैं हमारे रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब्स और एक होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब्स तो यहाँ पर हम नॉन रेडियो एक्टिव लेबल्ड प्रोब्स का यूज़ करते हैं तो उन प्रोब्स को बनाने की जो टेक्निक है दैट इज़ निक ट्रांसलेशन टेक्निक अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले डी एन क्या करता है निक ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा यहाँ पे कट लगाया जाएगा सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा रैंडमली कहीं पे भी हो सकता है तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा एंड जिसको हम बोलते हैं निक तो यहाँ पे आप देख रहे हो निक का फॉर्मेशन हो गया है सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो चुका है ऑफ लाइक वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड डी उसमें क्या हो चुका है रैंडम ब्रेक आ चुका है सो एज टू एक्सपोज द थ्री प्राइम ओ एंड फाइव प्राइम फॉस्फेट ग्रुप सो so, यहाँ पर हमने निक फॉर्मेशन कर लिया है अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है दैट इज़ द इंसर्जन ऑफ द बायोटीन लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स इसको हम बायोटीन से लेबल कर देते हैं सपोज ये आपका क्या था न्यूक्लियोटाइड था अब हमें इसके ऊपर हमने क्या कर दिया रेड कलर का ये हमारा क्या है बायोटीन है बायोटीन क्या है एक रिपोर्टर मॉलिक्यूल है सो so, हमने इसको जो भी हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे उसको हमने बायोटीन से लेबल कर दिया एंड उनको यहाँ पे ऐड कर दिया सो दीज आर एडेड ओवर हियर अब ऐड कर दिया उसके बाद लेबल्ड न्यूक्लियो बायोटीन लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को हमने ऐड कर दिया उसके बाद यहाँ पे क्या होगा डी होगा डी होगा जिससे कि दोनों स्ट्रांस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे हमारे सेपरेट हो जाएंगे एंड हमारे काम का कौन सा स्ट्रैंड है ऊपर वाला जहाँ पे कि बायोटिन लेबल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हुए थे सो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये भी अलग हो गया दोनों स्ट्रैंड्स जो है डी के बाद अलग अलग हो गए ये जो ऊपर वाले स्ट्रैंड है ये हमारा प्रोप जो है वो रेडी हो चुका है प्रोप क्या होता है इट इज़ अ शॉर्ट डीएनए या फिर आरएनए का सिंगल स्ट्रांडर्ड सीक्वेंस होता है जो कि हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास स्लाइड होती है स्लाइड के ऊपर जो हमारे सेल्स होते हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है अब सेल्स को क्या कर दिया जाएगा फ़िक्स कर दिया जाएगा स्लाइड पे सेल्स का फिक्सेशन जो है दैट इज़ डन बाय यूजिंग द फॉर्मेल्टी हाइट अब यहाँ पर हमारे पास में सेल फिक्स हो गए हैं तो उसके बाद हम डी करते हैं डी जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस रहता है अब ये स्लाइटली जो है लोअर रहता है इधर आपने जो डी किया था वो सेवेंटी डिग्री सेल्सियस करा था यहाँ पर लो इसलिए रहता है क्योंकि ये हम विद इन द सेल जो है डी कर रहे हैं सो so, अब ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो क्या हो जाएंगे सेपरेट हो जाएंगे एंड यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी कि जो आपने प्रोब्स रेडी किए थे उनको यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराया जाएगा अब ये जो प्रोब है जहाँ पे भी इसकी टारगेट सीक्वेंस होगी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो ये वहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा तो ये देखिए बायोटीन लेबल्ड प्रोब जो है ये अपने टारगेट सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री जहाँ पे भी था ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के बाइंड हो चुका है अब हमें डिटेक्ट करना है प्रोब तो बाइंड हो गया अब हमें ये देखना है कि प्रोब बाइंड हुआ है या नहीं हुआ है और प्रोब बाइंड हुआ है तो कहाँ पर बाइंड हुआ है तो इसको कैसे चेक किया जाता है सो so, अब हम यहाँ पर एक ग्रुप को ऐड करेंगे दैट इज़ एफिनिटी ग्रुप स्ट्रेप्टा एविडीन स्ट्रेप्टा एविडीन एक एफिनिटी ग्रुप है जिसकी हाई एफिनिटी होती है टुवर्ड्स बायोटीन जिससे आपने इन प्रोब्स को लेबल किया था ना बाटीन से लेबल किया था तो बायोटीन जो हमारा रिपोर्टर मॉलिक्यूल था बायोटीन और स्ट्रेप्टा एविडीन इनकी क्या होती है हाई एफिनिटी होती है तो जहाँ पे भी बायोटीन होगा ये स्टेप्टाविडीन वहीं पे जाके क्या हो जाएगा बाइंड हो जाएगा ये जो स्टेप्टाइविडीन होता है इसके साथ हम एक फ़्लोरोफोर भी अटैच कर देते हैं फ्लोरोफोर क्या करेगा फ्लोरोफोर एक ऐसा मोलिक्यूल होता है जो कि एक पर्टिकुलर लाइट अगर उसको दी जाए तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है जैसे फ्लोरोसिन है या रोडामिन है फॉर एग्जाम्पल जो आपका फ्लोरोसिन है फ्लोरोसिन क्या करता है कि अगर आप इसको क्या करो एक्साइड करो विद ब्लू लाइट अगर आप इसको ब्लू लाइट से एक्साइड करोगे तो ये क्या करेगा इट विल एमिट ग्रीन फ्लोरोसेंस ग्रीन फ्लोरोसेंस ये एमिट करेगा ऐसे आपके और भी बहुत सारे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हो रोडा अमीन एक रोडा अमीन ये भी क्या है एक फ्लोरोफोर है अब इसको जब आप क्या करोगे एक्साइट करोगे विद ग्रीन या फिर येलो लाइट से आप जब इसको एक्साइट करोगे तो ये रेड कलर का क्या देता है फ्लोरोसेंस देता है अब ये जो फ्लोरोसेंस तो जहाँ पे भी बायोटीन लेबल्ड प्रो बाइंड किया होगा स्टेप्टा एविडीन जो कि हाई एफिनिटी रखता है टूवर्ड्स बायोटीन ये वहीं पे जाके बाइंड करेगा बायोटीन को ढूंढेगा कहाँ पे है भाई बायोटीन इसका बिछड़ा हुआ भाई कहाँ पे है तो ये बायोटिन के साथ बाइंड करेगा एंड जहाँ क्योंकि स्टेप्टा एविडिन के साथ में हमने फ्लोरोफोर अटैच कर रखा था तो जहाँ पे भी ये बाइंड करेगा तो वहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगी सो so, ये जो फ्लोरोसेंस होती है उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है एंड जहाँ पे भी आपको फ्लोरोसेंस दिख रही है इसका मतलब वहीं पे क्या है प्रो बाइंड हुआ है और वही जो है आपकी टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है वही आपका टारगेट डी एन सीक्वेंस है तो इस तरीके से हम फ्लोरोसेंस की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमारा जो टारगेट जीन है वो कहाँ पे है विद इन द सेल सो अब आप उस इसका नाम आपको समझ आ गया होगा क्यों ऐसा रखा है फ्लोरोसेंस क्योंकि यहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई इन सी टू मतलब इन साइड सेल सेल के अंदर ही हम जीन को डिटेक्ट कर रहे हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन क्यों क्योंकि जो प्रोब है वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था प्रोप जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ में हाइब्रिडाइज हुआ बाइंड हुआ अब देर आर डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ फिश सबसे पहला है कि हम म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं ऑन द क्रोमोसोम सो फिश से फिश की हेल्प से जो रिसर्चर्स हैं वो प्रिसाइजली लोकेट कर सकते हैं कि जीन की लोकेशन क्या है क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक आर एन ए डी एन ए सीक्वेंस कहाँ पर है उनको जो भी टारगेट डी एन ए सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं विद इन द क्रोमोजोम एंड हम डिटेक्ट कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं क्रोमोजोमल एबनॉर्मैलिटीज़ जैसे ट्रांसलोकेशन डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्जन उस सब के बारे में हम फ्लोरोसेंस हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रोमोज़ोम है वहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ है जीन डुप्लीकेशन हुआ है तो दो जगह आपको फ्लोरोसेंस दिखाई देगी अब सेकेंड जो है दैट इज़ टू नो द लोकलाइजेशन ऑफ आर एन ए इन साइड द सेल सो अगर आपको किसी भी जीन एक्सप्रेशन के बारे में पता लगाना है कि कोई जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है सो so हम क्या कर सकते हैं आर एन एम आर एन ए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एम आर एन ए को पता लगा सकते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है विद इन द सेल सो फिश से हम जीन एक्सप्रेशन का पता कर सकते हैं बाय विजुअलाइजिंग द आरएनए मॉलिक्यूल विद इन द सेल उसके बाद है कि आप म्यूटेशंस के बारे में पता लगा सकते हैं प्री टेस्टिंग फॉर क्रोमोजोमल एबनॉर्मैलिटी यानी कि डेवलपिंग फीटस के अंदर हम क्रोमोजोमल एबनॉर्मैलिटी का पता लगा सकते हैं प्री इम्प्लांटेशन में क्या होता है जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं एम्ब्रियो के अंदर जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज़ बिफोर इम्प्लानटेशन ड्यिंग आई वी एफ इन विट्रोफर्टिलाइजेशन जब हम करते हैं तो उसमें बिफोर इम्प्लांटेशन ही हम पता लगा सकते हैं कि एम्ब्रियो के अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी है या नहीं है देन आप जेनेटिक डिजीज़ का डिटेक्शन कर सकते हो बहुत सारी जेनेटिक डिज़ीज होती हैं जैसे क्राइडू चार्ट सिंड्रोम एंजलमेंट सिंड्रोम इन सब के बारे में आप पता लगा सकते हो चैट में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम फाइव है उसकी जो शॉर्ट आर्म है उसमें डिलीशन हो जाता है तो यूजिंग द फिश आप फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा फ्लो उससे हम क्या कर सकते हैं कि डिलीशन का भी पता लगा सकते हैं कोई अगर पार्ट डिलीटेड है तो उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस नहीं होगी अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब को ऐड करेंगे तो जो डाउन स्ट्रीम सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोजोन ट्वेंटी वन की तो उसको भी हम पता लगा सकते हैं फ्लोरोसेंस की हेल्प से नेक्स्ट इज़ योर फिश को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटेक्ट द ट्यूमर सेल्स कैंसर रिसर्च में कैंसर डिग्नोसिस में भी हेल्प करती है ये टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक आल्ट्रेश जो भी हो रही है नेक्स्ट इज स्काई स्काई जो है दैट इज स्पेक्ट्रल कैरियो टाइपिंग ये एक एडवांस फिश टेक्निक है दैट कैन विजुअलाइज ऑल द ह्यूमन क्रोमोजम इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट ठीक है ऐसे ही आपकी ना एक और टाइप की फिश होती है विच इज़ एम फिश एम फिश क्या होती है मल्टी कलर फिश ये क्या होती है मल्टी कलर फिश मल्टी कलर फिश का मतलब है कि यहाँ पे हम डिफरेंट कलर के प्रोब्स जो है उसका यूज़ करते हैं एक और होती है मतलब एक ही बारे में आप मल्टीपल टारगेट जीन टारगेट्स का पता लगा सकते हो फिर एक होती है क्यू फिश क्यू फिश जो होती है दैट इज़ क्वांटिटेटिव फिश तो जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसकी क्वांटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिफिकेशन क्वांटिफिकेशन मतलब कि कितना जीन एक्सप्रेशन हुआ है फ्लोरोसेंस की इंटेंसिटी मेजर करेंगे जीन एक्सप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हुआ है तो आपको ज़्यादा फ्लोरोसेंस दिखाई देगी जीन एक्सप्रेशन कम हुआ है तो आपको फ्लोरोसेंस कम दिखाई देगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे